हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आपके लिए लाया हूं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सीएनसी प्रोग्रामिंग। आज के टॉपिक में हम लोग आईजेके का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि आईजेके यूज करके हम लोग फुल सर्कल वन शॉट में कैसा बनाए, इसका इंपॉर्टेंस और इसको कैसा आसान से तरीके से बनाए इसके बारे में हम लोगों ने देखा। थोड़ा सा इसका ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, दैट इज अ हाफ सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल बाय यूजिंग आईजेके, दैट आई विल शो यू टुडे। इसके बारे में अगर आपको कुछ डाउट है तो उस डाउट को आप लोग पूछ सकते हो और उसके बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक आईजेके फॉर क्वार्टर हाफ एंड वन थर्ड सर्कल। अभी ये मेरा वर्क पीस है, दिस इज माय सर्कल, आई एम क्रिएटिंग अ सर्कल, दिस इज माय सर्कल, ये मेरा सर्कल है। इस सर्कल को मुझे बनाना है, तो देखिएगा मुझे ये मेरा वर्क पीस का साइज है, ये मेरा वर्क पीस है 100 साइज, दिस इज अगेन 100 साइज, 100 बाय 100। अभी दिस इज अ 550, आई एम जस्ट यूजिंग द सिंपल मेथोडोलॉजी सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, नाउ इन दिस आर्क आई वांटेड टू क्रिएट ओनली वन थर्ड, मींस द क्वार्टर आर्क फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मुझे इतना ही आर्क बनाना है, मुझे इससे बड़ी आर्क नहीं बनानी है, इसको हम लोग क्वार्टर आर्क बोलते हैं। ओके, इस आर्क को मुझे बनाना है तो इसको कैसा बनाया जाए, वही मेथड जो मैंने आपको कल बताई थी। यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाना है, ये स्ट्रक्चर है मेरा एक्स, ये मेरा है एक्स माइनस, ये मेरा है वाई प्लस, ये मेरा है वाई माइनस। इसका ही कॉपी करूंगा मैं यहाँ पे, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे आई एम कॉपिंग एंड पेस्टिंग हियर। एक्स की जगह पे मैं आई प्लस लिखूंगा, एक्स माइनस की जगह पे आई माइनस लिखूंगा, वाई प्लस की जगह पे जे प्लस लिखूंगा और वाई माइनस की जगह पे जे माइनस लिखूंगा। सेम आई एम कॉपिंग एंड पेस्टिंग एंड आई एम गिविंग दिस पॉइंट हियर, दिस इज माई पॉइंट नंबर ओ। ओके, सिंपली हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं, आप लोग पूरा हेडर एंड फुटर बना दीजिएगा। मैं सिंपली यहाँ पे इतना ही आर्क कैसा बनाया जाता है वो दिखाता हूं मैं। G01 स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क इज माय, दिस इज माय ए पॉइंट एंड दिस इज माय बी पॉइंट, सो स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क इज एक्स माइनस 25.0 वाई 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। ओके, इट इज गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे G02 डाला। एक्स डालूंगा मैं 0.0, y डालूंगा मैं 25.0 और खत्म हो गया। इतना डाल के अभी हमको क्या करना है, हमको थोड़ा सा एडवांस देखना है। क्या एडवांस देखना है, इस स्ट्रक्चर को उठाना है और पॉइंट नंबर ए के ऊपर जाके इसको प्लेस कर देना है। इसको मैंने पॉइंट नंबर एक के पास जाके प्लेस कर दिया। अभी सेम कॉपी पेस्ट, i प्लस, i माइनस, j प्लस एंड j माइनस। अभी इस पॉइंट में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट मेरे सेंटर पॉइंट को, मेरे सर्कल के या मेरे आर्क के सेंटर पॉइंट को देख रहा है। अभी अगर देखा जाए तो आई प्लस पॉइंट जो है, आई प्लस पॉइंट जो है मेरे सर्कल के सेंटर पॉइंट को देख रहा है यहां पे, इसलिए मैं सिंपली लिखता हूं आई प्लस 25.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंस्टीट्यूट। समझ में आया, तो मैंने यहां से यहां तक की आर्क नंबर ए टू बी बना दिया मैंने, ए टू B. This is my arc A to B. Okay, fine. Now we will go for next arc. This is now A to B. Now this is a C. A to C I wanted to create. In this case, A to C, arc number A to C. हमको क्या करना है? G01, x minus 25.0, y 0.0 end of block insert. अभी मैं क्या करता हूँ? G02, x को क्या करना है? x को लिखना है आपका एंड पॉइंट जो रहेगा, x रहेगा मेरा नाउ 25.0, y 0.0। इस तरह से मैंने c नंबर का जो पॉइंट है, c का कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया, एक कोऑर्डिनेट नंबर a, एक कोऑर्डिनेट नंबर c, एक कोऑर्डिनेट नंबर a, एक कोऑर्डिनेट नंबर b। ओके, अभी c का कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे यहां पे इसका एक एग्जामिनेशन लेना है। अभी इस आर्क में, इस स्ट्रक्चर में कौन सा मेरा आर्क जो है वो मेरा वर्कपीस के मेरे सर्कल के सेंटर को देख रहा है, मेरा आई प्लस मेरे सर्कल के सेंटर को देख रहा है, मैं यहां पे सिंपली लिखूंगा आई प्लस 25.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। इस तरह से ए टू सी भी बन गया। अभी ए टू मुझे डी बनाना है,
ए टू डी के लिए भी सेम मेथड है, ए टू डी। हाउ टू मेक ए टू डी, सिंपली दिस इज पॉइंट नंबर ए, दिस इज पॉइंट नंबर डी, G01 x माइनस 25.0 y 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, ओके G01, ओके G02 x क्या आएगा अभी, x 0.0 y माइनस 25.0 एंड इस जगह पे मेरा आएगा i प्लस 25.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। इस तरह से मैंने एक आर्क बनाई, आर्क नंबर ए टू बी, दिस इज माय आर्क नंबर ए टू बी, ओके दिस इज माय आर्क नंबर ए टू सी, दिस इज माय आर्क नंबर ए टू सी, दिस इज माय आर्क नंबर ए टू डी, दिस इज माय आर्क नंबर ए टू डी। और इस तरह से हम लोगों ने क्वार्टर आर्क, हाफ आर्क एंड वन थर्ड आर्क कैसे बनाया इसको देखा, फुल सर्कल कैसे बनाया हमने वीडियो नंबर एक में देखा था। इसमें भी आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे पूछिएगा, समझिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछने के बाद ही आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा नॉलेज पहुंचता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।